वेलकम बैक दिस इज अदिति और आप लोगों को कितना मजा आ रहा होगा ना मैं कितने टाइम से वेलकम बैक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कर रही करी बट मुझे ऐसा लगा यार मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट <laughs> <laughs> तो मैं आ चुकी हूँ तो so, रात में निकले थे हम बाय रोड और सुबह ऋषिकेश पहुंच चुके हैं इतना ज्यादा टायरिंग हो गया था ना कि क्या बताऊं बताऊँ so, फर्स्ट लोकेशन पे हम आ चुके हैं दैट इज तेहरी लेक यहाँ पे पहला शूट है ऋषिकेश पहुंचते ही हमने थोड़ी देर का हॉल्ट लिया था और उसके बाद तुरंत निकल गए थे तेहरी लेक के लिए जहाँ पे पहला शूट था और मैं तो होटल से रेडी शेडी होकर आई भाई मेरा क्या मेरा थोड़ी शूट है मैं तो यहाँ पे व्लॉग लेने आई हूँ आप लोगों के लिए बट आयुषी दी इज गेटिंग रेडी ना हो तो चलो आपको दिखाते हैं मेकअप स्टार्ट हो गया है और तहरी लेक में इवनिंग का शूट था इसलिए पहले हम उसके नियर बाय लोकेशन को कवर कर रहे हैं हम हाँ मेन लोकेशन में आ चुके हैं जहाँ पे शूट स्टार्ट हो चुका है लेट मी शो यू गाइस सो सेटअप एंड ऑल डन और ये स्लो मोशन की वीडियो कैप्चर होना स्टार्ट हो गई है दोनों ने ना थोड़ा एक्टिव रहना है बॉडी में एक्टिवनेस लाओ, ऐसे लूज नहीं चलना बिल्कुल। ये दोनों के दोनों कैमरा कॉन्शियस हैं और बहुत शायद फील कर रहे हैं तुम लोगों को नहीं लग रहा आज की वीडियो में मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ ये मेरा कमाल नहीं है ये नेचर का कमाल है नेचर में आते ही हर कोई एकदम खूबसूरत हो जाता है सनकिस्ड <laughs> और सेकंड लोकेशन जाने के पहले मैंने यहाँ पे जितनी भी फोटोज क्लिक हुई है मैंने अटैच की है, सारी नहीं की ऑफ कोर्स जो भी लैंडस्केप थी मैंने सारी अटैच की है और ये गिम्बल से बहुत प्यारा शॉट लेते हुए जिसमें ही बहुत है काफी सारे रीटेक्स हुए थे और जब तक मैं फ्री हुई यहाँ पे मैंने बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजें देखी जो की मुझे बहुत ज्यादा अपील की और मेरा मन करने लगा की मैं इनको लेके आऊ और क्राफ्ट कर लू देख रहे हो मुझे क्यों लाया गया पीए घूम रही हूँ क्या कर सकते यही जिंदगी है सिंगल लोगों की अरे अच्छा चलो इसी बात में मेरे न्यू शूज तो देख लो कितने अमेजिंग है। इन लोगों को इस लुक में देख के और इस लोकेशन में एक ही गाना याद आ रहा है रंग दे तुम और इतनी ज्यादा सन किस जो मैं आज तक नहीं हुई हाय अरे फोटोज के मजे तो लो और हम आ गए हैं सेकेंड लोकेशन में दैट इज तेहरी लेक फाइनली द मोस्ट अवेटेड फोटोशूट तो एक बोट में थे जीजी और जीजू और दूसरी बोट में थे बाकी हम सब और हम जा रहे हैं मिडिल ऑफ द लेक में जहाँ पे फोटोशूट स्टार्ट होगा एक तो मुझे पानी से इतना डर लगता है ना मजा भी आ रहा था यार एट द सेम टाइम बट बार बार डर लग रहा था और ये बोट वाला था ना जो इतना बदतमीज था मैं क्या बताऊं वो डरा रहा था बार बार बोट हिला के अच्छा वो सब छोड़ो खुद को थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेती हूँ फोटो सेल्फीज लेके और ये पाजी फोन पे कुछ डायरेक्शन देते हुए कि ऐसा शूट चाहिए हमें और ये जुई निकल के गए भाई ये वाली लोकेशन तो वर्थ इट थी आई जस्ट लव इट इतना अमेजिंग शूट हुआ है और रात हो गई है देखो माउंटेन्स भी कवर्ड हो गए हैं चलो चाय पी लेते हैं और साथ में मैगी भी खा लेते हैं तब तक आप फोटोज इंजॉय करो और अब हम जा रहे हैं कलर चेंजिंग ब्रिज में जहाँ आठ बजे लाइट बंद हो जाती है और हम पहुँचे थे 7:55 में उसने इतनी रिक्वेस्ट के बाद 20 मिनट हमारे लिए लाइट जलाई भाई साहब क्या ठंडी है और ये चेंजिंग वाला ब्रिज देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है बहुत ही औसम लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं आ, आज की लास्ट शूटिंग करने के लिए और ये बहुत ज्यादा ही इम्प्रोमटू शूट हो गया बिकॉज इतनी ठंड हो रही थी तो कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं हुआ चलो कल मिलते हैं आज के लिए टडा गुड मॉर्निंग तो आज है न्यू डे और हम आ चुके हैं मसूरी और सुबह सुबह हम जा रहे हैं अपनी पहली शूट लोकेशन में और बीच में देखो क्या सब ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं चलो हम भी थोड़ी सी ट्रैकिंग कर ही लेते हैं ओ oh गॉड इसमें अलग मेरी सास फूलती है क्या बताऊँ हे सो टुडे इज अ न्यू डे आई एम सो सॉरी कल रात को मैं आपको बाय बाय नहीं कर पाई थी गुड नाइट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी मुझे माउंटेन्स में हमेशा ऐसा अनइजी सा फील होता है वॉमिटिंग टाइप का होता है तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आके होटल में सो गई थी एंड नाउ नाउटोर टुडे सॉरी टुडे इज अ न्यू डे तो आज वापस से शूट है सेकेंड डे शूट है सो so लेट्स आज क्या क्या करते हैं हम और मैं देखो आज एकदम पैक होके आई हूँ थोड़ी सी धूप निकलेगी तो मैं चेंज कर लूँगी कपड़े लेट्स सी और हम पहुंच गए हैं दलाई हिल और देख रहे हो कितना ज्यादा कलरफुल है तो सोच लो फोटोज कितनी अमेजिंग आने वाली है यहाँ पे चलो जब तक मेरा काम नहीं है चल के मैं चिप्स खा लेती हूँ दीदी तुम ब्लू वाली चिप्स नहीं लाई ना कट्टी हाँ छोटी क्योंकि ये मैं अपने लिए लाई तुम्हारे लिए नहीं अरे चलो जल्दी से आप लोग बुद्धा जी को भी तो देख लो गाइस मैं बोर तो बहुत हो रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम लग गया बट व्यू इतना प्यारा है कि मुझे लग रहा है चलो ठीक है यार ले लो थोड़ा और टाइम क्योंकि कहा दोबारा मौका मिलने वाला है ना व्यू देख रहा पीछे का और ये डबल चिन जो दिखना चालू हो गया ना मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है लग रहा है कि इसको पता चल गया कि मैं वीडियोस बनाती हूं। आ, 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 और यहाँ का शूट तो डन हो गया है इसमें लगा था फोर आवर्स जब तक मैं मैगी खाती हूँ आप लोग जल्दी से फोटोज इंजॉय कर लो और हम आ चुके हैं सेकंड लोकेशन में जॉर्ज एवरेस्ट बेचारे जीजू हमेशा जल्दी रेडी हो जाते हैं और ये तराजू में पता नहीं क्या इन लोगों ने जलाया था बिकॉज इनको पीछे स्मोक का इफेक्ट चाहिए था तो ठीक है ठीक है हाई क्यूडीज तो मैंने भी आउटफिट चेंज कर ली है और हम सेकेंड लोकेशन में आ चुके हैं जिसमें ब्लू गाउन एंड ब्लैक सूट में जी जी एंड जी जी शूट करने वाले हैं शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ और ये है मेरा पर्सनली सेकेंड मोस्ट फेवरेट आउटफिट और शूट पहला वाला तो वो मर्चेंट नेवी वाला जो आउटफिट में था ना जीजू का और हाथ लेक में चलो चलो टाइम टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ माई आउटफिट लुक्स लाइक और मैंने भी ब्लेजर डाल रखा था कल वाला बट देखो विदाउट ब्लेजर कितना है ये मैं एक बार हुस्न परी जाने जहाँ बन के दिखा देती हूँ पाजी ने बोला चलो मैं तुम्हारी टर्बन बांध देता हूँ क्योंकि मैं ठंडी से काप रही थी और मैं सच तो मैंने नीचे कारगो भी पहन लिया इतना फनी लग रहा है ना बट कोइंसिडेंटली वो मेरे स्वेटर से मैच कर गया दोनों पर्पल पर्पल पर्पिली ने मेरी टर्बन बांध दी बिकॉज मुझे ठंडी लग रही थी अब मेरे कान सिक्योर हो गए थैंक यू वेलकम जी वेलकम और बोल रहे हैं कि मैं लड़का लग रही हूँ लग रही हूँ क्या नहीं अब नहीं लग रही फिल्टर लग रही कुछ ड्रोन्स के भी शूट हो जाए फटाफट से क्योंकि यार अब प्लीज अप कर बहुत ठंडी है चलो मैं जल्दी से तराजू से ही हाथ सेक लेती हूँ और ये लास्ट टेक है क्लाउड एंड में यहाँ से फिर बस ये लास्ट है ये एंड है और यहाँ पे ना विंटर लाइन दिखती है मैं दिखाती हूँ इसको विंटर लाइन बोलते हैं देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ब्यूटीफुलटली मुझे शीप मिल घर ले चले बेटा इसका ओनर भी दौड़ा लेगा और मम्मी भी यहाँ का शूट देख रहे हो क्या अमेजिंग मशाल वाला सीदा सीदा और रात में हम गए थे क्लब गुड मॉर्निंग हो गई है नेक्स्ट डे और आज हमें जाना है वापस तो जाने के पहले हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर हम लोग मसूरी एक्सप्लोर कर ले सुबह किया मस्त ब्रेकफास्ट और उसके बाद मुझे दिख गई आइसक्रीम फिर मैंने सोचा आज तो मैं इनके कोन इतने सारे तोड़ने वाली हूँ ना और सच बताऊ तो दो कोन तोड़े हमने <laughs> भाई ये वीडियो में जितना ईजी लगता ना ये होता नहीं ये देते ही नहीं है वो लोग एकदम सच में इरिटेट कर देते हैं। वो जो वायरल होती है ना वीडियो बच्चे रोते रहते हैं वो एकदम सच है यार मतलब क्या बोलूं लो तोड़ दिया ना अब दे दो मुझे चुपचाप आइसक्रीम अच्छा तुमने दे भी दिया वाह थैंक यू मुझे भरोसा नहीं हो रहा है खा के देखती गाइस इस एरिया को कहते हैं लाइब्रेरी और हम लोग लाइब्रेरी घूमने आए लाइब्रेरी एग्जैक्टली नहीं घूमने आए और लाइब्रेरी वाला एरिया घूमने आया हमे बहुत भीड़ है देखा कितनी सारी भीड़ है चलो चलो घर चलने का वक्त आ गया है आज की वीडियो इतनी ही थी आई होप आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपका फेवरेट शूट कौन सा था और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और बेल बटन भी दबा लो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय सी या टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ